ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਭਰੋਸੇ ਗਤੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਿਆ ਆਪ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। मैडम आखिर में मैं एक छोटी सी कविता बोलकर बैठ जाऊंगा, कृपया घंटी मत बजाना, फिर डिस्टर्ब हो जाता है मैडम, प्लीज। छोटी सी कविता है कि बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात, पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहा है, चौकीदार देख रहा है, और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं, और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अब तो साहब के ऑफिस से मेन्यू बनकर आता है कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं। मोदी जी अगले 6-7 महीने में आप जाने वाले हैं, कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।